नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। आज के दिन इसमें 4% का उछाल देखने को मिल रहा है और जो पहला हमारा टारगेट था वो आज के दिन हमको अचीव होते हुए देखने को मिल गया, जो कि पहला टारगेट पहला रेजिस्टेंस था। और अभी बात किया जाए बजाज हिंदुस्तान शुगर को लेकर, ये रेणुका शुगर और जितने भी शुगर इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स है ना, उनके ऊपर है ना बहुत ही ज्यादा एक तरह से ना बेट लगाया जा रहा है, जिस वजह से ना उनके शेयर्स में शानदार रिकवरी देखने को मिल रहा है। पहले से अगर बात करूँ तो रिके शुगर हो गया, उगा शुगर, श्री रेणुका शुगर, मगध शुगर, सभी में ना एक तरह शानदार रैली है। और यहाँ पे भी देखो आज 4% करा है और 3 दिन से इसमें अपसाइड जा रहा है, 28 के लेवल से सीधा 33। तो पहला टारगेट तो अचीव हो चुके हैं, दूसरा टारगेट जो रहेगा 36, तीसरा टारगेट जो ऑल टाइम हाई है वो 39 रुपीस तक का आने वाले दिनों में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें क्यों इतना बेट लगाया जा रहा है पहले वो बता देता हूं आपको। जैसे कि ये बजाज हिंदुस्तान शुगर जो है इथेनॉल को लेकर काम कर रही है और सरकार अभी जो नया बनने वाली है वो इथेनॉल के रिलेटेड ही काम करती है। तो इनका ये कहना है कि अगर 100 दिन का जो कैबिनेट मीटिंग बैठने वाला है उसमें ना इथेनॉल को लेकर भी कोई एक तरह से ना ग्रीन इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। इस वजह से लगातार एक तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ कर कई लोग बाइंग कर रहे हैं, जिस वजह से शानदार रैली देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त क्या किया जा सकता है, तो देखिए ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो हमारे पास एक अच्छा टारगेट है 36 से लेकर 39 तक का आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट लेवल जो इस वक्त रहेगा हमारे पास वो 31.40 रुपीज का काम करेगा। तो बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं, चैनल पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद।